तो पहले आप मेरा मेजरमेंट देख ले। ये आपका, ये छाती हो गया, ये 20 हो गया, वेस्ट लेंथ हो गया 17, शोल्डर 12, हिप 27 इंची हो गया। तो इस नाप से मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टकोट कटिंग कैसे करते हैं। तो पहले आपने यहाँ से 1 इंच का एक निशान लगा लेना है। 1 इंच का ये निशान लगा के सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये छोटा साइज है, ये लाइन लगाने के बाद में आपको ये 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। वन 75 का इसको सीधा निशान कर लेंगे। ये आपका शोल्डर का निशान हो जाएगा इस जगह से। उसके बाद में ये 1.25 इंची का निशान लगा देंगे एक। यहाँ से यहाँ 1.25 इंची का निशान हो गया। उसके बाद में ये 17 इंची लंबाई है, तो 17.5 इंची पे एक निशान दे देंगे। और 1.5 इंची ज़्यादा करके 19 इंची पे रख देंगे। अब ये 26 छाती है, तो ये 6.5 पे निशान लगाएंगे और 12 पे निशान लगाएंगे। 6.5 12 इसको सीधा कर लेंगे। ये पूरा स्टेट मार्क लगा लेने के बाद में आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है। इस जगह से कितना है, ये 6.5 इंची हो गया, ये 6 चौके 24 हो गया, 25 26, यानी 6.5 हो गया, प्लस इसमें 1.5 इंची लूजिंग दे देना है। ठीक है, यहाँ से 26 हो गया, 6.5 हो गया, प्लस 1.5 इंची लूजिंग देना है। ये वेस्ट 20 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, प्लस 1.5 इंची लूजिंग देना है। अब हिप का नाप 27 है, तो 8.25 रख देना, यानी 6.25 हो गया, प्लस 1.5 इंची ये हो गया। अब इसको आपने इस तरीके से मारिक लगा लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंची ऊपर एक निशान लगाना है। अब ये जो स्ट्रेट निशान लगाए हैं, ये स्ट्रेट निशान का क्या करेंगे, यहाँ से अपने 1.5 इंची के ऊपर एक निशान लगाएंगे, और इसी जगह से आपने ऊपर 1.25 इंची का 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो आपको इसको निशान को ऐसे ले लेना है, ठीक है, और ये निशान इस तरीके से ले लेना। तब इस जगह से 1.5 इंची प्लस यहाँ से भी 1.5 इंची हो गया। अब आपका बटन इस जगह पे लगेगा, तो आपको पहले गले का हिसाब कर लेना है, मुझे ओपनिंग कितना रखना है, 8 इंची रखना है, 9 इंची रखना है, कितना रखना है। उसके बाद में
यहाँ से आपको 2.25 2.25 3 अब यहाँ से आपको तीन बटन हो गया, बच्चे का साइज है देख करके। उसके बाद में ये गला का हिसाब करना है आपने, शोल्डर है 12 तो 6 दुना 12 प्लस हाफ इंची रख के देखिए छोटा बच्चे का साइज क्या होता है। छोटा बच्चे का आप साइज ले रहे हैं तो आपको कटिंग करने के टाइम में थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। जैसे 12 है तो 11 कर देंगे, अगर 11 है तो 12 कर देंगे। जैसे छाती आपका 25 है तो यार ये 27 पे आ रहा है, या आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको खुद ही मालूम होगा कि मेरा साइज़ जो है वो सही है कि नहीं है। थोड़ा आगे पीछे भी आदमी कर सकता है, जैसे शेप देने के टाइम में आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आप छात्र मानते हैं आप कमर 20 नाप लिए, 22 इंची नाप लिए अपने छाती, तो उसमें क्या होगा आपको 22 नापे हैं लेकिन 2 इंची ज़्यादा करके 22 के ऊपर 24 के ऊपर आप इसको शेप दीजिए, वो आपका बैठेगा। नहीं तो आप छाती अंदर घुसा दीजिएगा, कमर बाहर निकाल दीजिएगा तो वो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ से आपने 1.25 1 इंची जितना अंदर करके फिर ये राउंड दे देना है। यहाँ से आपने 3 इंची एक लाइन, यहाँ से आपको क्योंकि आपका ओपन जो है यहीं से होगा। ठीक है, ये 6 इंची 6.5 इंची आपका ओपन आएगा क्योंकि ये तो आपका इतना चढ़ जाएगा, बटन का जो है 1.25 इंची ये आपका ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपको असल जो है, असल जो मारिक जो है समझिए ये वाला आएगा। ठीक है, तो इतना ओपन हो जाएगा, ये बटन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने पॉकेट का निशान दे देना है, ज़्यादा करके छोटा साइज में पॉकेट नहीं लगाते हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से 2 इंची प्लस 2.75 इंची का दे देंगे। ये नीचे वाला पॉकेट है, ये जो मारिक लगाए हैं इस जगह से आपने 1.25 इंची देना है, 3 इंची दे देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने इस तरीके से मारिक लगा करके आपको इस मारिक के ऊपर, यानी इस मारिक के ऊपर कट जाएगा, फिर इधर कटेगा, फिर इधर कटेगा और ये गोलाई कट जाएगा और इस साइड में मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बटन हो गया, ये 26 छाती हो गया, 20 इंची कमर हो गया, हिप 27 हो गया, लंबाई 17 इंची हो गया, शोल्डर 12 इंची हो गया। ठीक है, तो इस साइज का मैं आपको कटिंग करके बताया हूँ। जैसे आपको मैं सामना दिखा दे रहा हूँ, पहले आपको यहाँ से ये लेना पड़ेगा 6.25 इंची, ये आपका जो ये मारिक वाला है, यहाँ से आपको 8 इंची
यहाँ से आपको 7 इंची और फिर यहाँ से 8 इंची, ठीक है, ये आपका 1.25 इंची का हो गया। तो कोई भी बच्चे का डबल ब्रेस का यानी डबल ये कटिंग कर रहे हैं तो आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, भी गले में आपका डबल बटन। तो आप पूरा ये वीडियो देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा वीडियो लगा, तो मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ।